श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। चक्र ध्यान, चक्र साधना से पहला एक स्टेज है जिसको चक्र ध्यान कहते हैं। क्या होता है चक्र ध्यान? नॉर्मल लाइफस्टाइल में हमारा जो चक्र है वो डिप्लीट हो जाता है। चक्र क्या है? चक्र का मतलब होता है द लेवल ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, वो घूमता रहता है। और जो कॉन्शियसनेस का जब ये पहिया घूमता है तो आपके चारों तरफ के आकाशिक लाइब्रेरी से वो आइडियाज़ कलेक्ट करता है। तो जो चक्र एक्टिवेटेड रहेगा वो उस हिसाब से आइडियाज़ कलेक्ट करेगा। तो ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 7 चक्र होते हैं, जिसमें 6 अंदर होता है, 1 सर के ऊपर होता है। लेकिन साधकों के लिए जो इम्पॉर्टेंट होता है वो 10 चक्र होते हैं। उसमें 9 शरीर के अंदर होता है और 1 शरीर के बाहर होता है, ठीक है। तो जो 9 शरीर के अंदर होता है, 6 तो आप सभी जानते हैं, और 3 जो है वो हमारे ब्रेन में होता है पीछे की तरफ। जो चक्र हमारे शरीर में हैं, आप जानते हैं कि सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है, जिसको अंग्रेजी में रूट चक्र बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आता है सैक्रल चक्र, जिसको हम लोग स्वाधिष्ठान बोलते हैं। उसके ऊपर आता है मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सस। उसके ऊपर आता है हार्ट चक्र, जिसको हम लोग अनाहता बोलते हैं। उसके ऊपर आता है हमारा थ्रोट चक्र, जिसको हम विशुद्ध बोलते हैं। थर्ड आई चक्र, जिसको अजना बोलते हैं। और हमारे सर के ऊपर करीब 6 इंच ऊपर होता है क्राउन चक्र, जिसको हम सहस्रार बोलते हैं, ठीक है। हर चक्र जो है एक अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है, ठीक है। जो रूट चक्र है आपका, जो मूलाधार चक्र है, वो आपको इस संसार और इस पृथ्वी से जोड़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो माया है आपके चारों तरफ, उससे जो चक्र आपको जोड़ता है वो रूट चक्र है। किसी भी तरीके का जो मायावी प्रभाव है, वो प्रेम हो, लालच हो, या फिर जो बोलते हैं ना लोभ मोहन महामाया रक्षताम परमेश्वरी, तो लोभ मोहन महामाया में जो आपको घसीटता है वो रूट चक्र होता है, ठीक है। उसके ऊपर आता है सैक्रल चक्र, ठीक है, स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान का क्या काम है? जब आप लोभ मोहन महामाया से ऊपर उठते हैं तो आपका मन प्रेम की तरफ बढ़ता है या फिर किसी रचना की तरफ बढ़ता है। तो इसका काम है आपका रिलेशन बाकी आपके आसपास के लोगों से कैसा है उसको ठीक करना। तो जब रूट चक्र सिर्फ एक्टिवेटेड है, सबसे नीचे वाला चक्र, उसका मतलब है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश रहेंगे या फिर सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, ये कहना सही रहेगा, और आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और अपने से रिलेटेड जो लोभ मोहन महामाया है उसमें फंसे रहेंगे। जैसे ही आपका थोड़ा सा कॉन्शियसनेस ऊपर आएगा चक्र में, तो फिर आपका जो है आपके आसपास के लोगों से आपके संबंध के बारे में और आपकी क्रिएटिविटी सुधरेगी, ठीक है। उसके ऊपर जब आएगा, जब सोलर प्लेक्सस पे आता है, जब मणिपुर पे आता है, तो आपके संबंध आपके साथ ठीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो आज के डेट में इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में जो डिप्रेशन का कारण या किसी भी चीज़ का कारण है, उसका यही कारण होता है कि आप खुद को नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे मणिपुर में आपका कॉन्शियसनेस पहुंच गया, जैसे मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो गया, जब वो लेवल एक्टिवेट होता है तो आपके संबंध खुद के साथ सुलझने लगते हैं। तो आप में जो 3 बेसिक क्वालिटी होती है एक अच्छे साधक की या एक अच्छे इंसान की या फिर एक इंसान की, कि आप खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और तीसरा आप किसी और के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते, ठीक है। इसके बाद जब और कॉन्शियसनेस ऊपर बढ़ता है तो हार्ट चक्र में आता है, ठीक है। हार्ट चक्र का काम है कि आप अनंत ब्रह्मांड में जो अनंत प्रेम है उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। मतलब उस समय अद्वैत हो जाता है, मतलब मैं ही हूँ और कोई नहीं है, मतलब सब मैं हूँ और सब मुझ में है। ये होता है जब हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर थ्रोट चक्र आता है, मतलब आपकी वाणी में ईश्वर आ जाते हैं। उसके बाद ईश्वर, भगवान को क्या बोला जाता है? ईश्वर भी बोला जाता है, मतलब जो मुख से निकला वाणी हो वो सच हो, ठीक है। तो वो ईश्वर हो गया, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन व्हेन यू गेट, वो तब होता है जब थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। इसके बाद आता है थर्ड आई पे।
थर्ड आई जैसे आपका एक्टिवेट होता है तो आप इस ब्रह्मांड के पार दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं, अनंत ब्रह्मांडों की आप सैर कर पाएंगे एक बार अगर आपका थर्ड आई चक्र पे कॉन्शियसनेस पहुंच गया और थर्ड आई चक्र खुल गया तो। और सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है क्राउन चक्र, ठीक है, सहस्र। क्राउन चक्र का क्या काम है, क्राउन चक्र का काम है कि आपको अनंत ब्रह्मांड के कॉस्मिक एनर्जी से एकाकार करवा देना, उसके बाद आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता है, ठीक है। तो ये 7 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। जैसे आप लोगों में कई लोगों को भ्रांति होती है कि मेरे चक्रास में कुछ एक्टिविटी हो रही है, मेरा चक्र जग गया है, तो ये पावर्स है जो चक्र के साथ आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो गया है तो उसके साथ जो मैंने रिलेटेड पावर बताया वो आपके पास होना चाहिए। आपको जब मैंने बोला कि क्राउन चक्र हो, मतलब थ्रोट चक्र आते आते आप समझ जाइए कि आपकी वाणी में भगवान बसने लगेंगे। ये स्थिति जब आती है तो आप समझिए कि आप सिद्ध हो गए हैं, 5 चक्र एक्टिवेट हुआ, सिद्ध हो गए। देखो अब मैं बताता हूँ, सिद्धों के लिए या फिर जो साधक हैं उनके लिए 3 चक्र और महत्वपूर्ण होते हैं, जिसका फोटो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये ब्रेन के पीछे होता है, मेडुला, मेडुला ऑब्लॉन्गटा। इसका पर्पस क्या है कि जो कॉस्मिक एनर्जी, जब आप ध्यान करते हो तो क्या करते हो, ध्यान करते हो तो ऐसा थोड़ी है कि ध्यान करने में हम लोग सिर्फ देखते हैं, नहीं, अपने बॉडी को भी एनर्जाइज करते हैं। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी आती है जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड है, जो ओमकार है, जिसका कि जिसकी ध्वनि ओमकार है, उस एनर्जी के कुंज से जो हमारे शरीर में एनर्जी आता है तो हम जो है शक्तिशाली हो जाते हैं। तो अपने पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को अपने शरीर में लाने के लिए, जैसे मुख से खाना खाते हैं तो ठीक मुख के पीछे होता है ये मेडुला, तो इससे हम एनर्जी अपने बॉडी में प्रवेश करवाते हैं। तो यहाँ पे 3 चक्र होते हैं, एक सेंटर में और उससे थोड़ा नीचे लेफ्ट और राइट में 2 और चक्र। तो शरीर के अंदर 6 चक्र और शरीर के बाहर 1 चक्र सबसे ऊपर में। तो इनका जागरण विधि क्या होता है, तो इनका जागरण के करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का प्रैक्टिस करना होता है। एक तो अजपा गायत्री का, अजपा गायत्री करने से क्या होता है कि जो आपका 3 चक्र है जिससे कॉस्मिक एनर्जीज आपके शरीर में आती हैं वो एक्टिवेटेड रहते हैं, ठीक है। दूसरा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी वो एक्टिवेट होते हैं। तीसरा, रोज़ उस 3 पॉइंट का, ठीक है, उस 3 पॉइंट का आपको मसाज करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों, ठीक है। बाकी जो आपके चक्र है इसमें चक्र ध्यान से शुरुआत करनी चाहिए। चक्र ध्यान क्या होता है, चक्र ध्यान होता है कि आप उस चक्र पर ध्यान करो। हर चक्र का एक रंग है, जैसे रूट चक्र का लाल रंग है, ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि इस रंग का जो क्वालिटी है वो इसके विचार से मिलता है। जैसे रूट चक्र बहुत एग्रेसिव है, लोभ मोहन महामाया है, तो लाल कलर का आप एक शक्तिपुंज अपने रूट चक्र में इमेजिन करेंगे, ठीक है, और उसको चक्र के रूप में देखेंगे कि वो घूम रहा है और उस पर अनंत ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, जो कॉस्मिक लाइट है, वो पड़ रही है और वो साफ हो रहा है। जैसे जैसे लाइट उस पर पड़ी वो साफ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर ध्यान करेंगे, ध्यान लगाएंगे अपने स्केरल चक्र पे, और उसके बाद आप ऑरेंज लाइट में उसको देखेंगे और अनंत ब्रह्मांड का एनर्जी उसमें जब जाएगा और वो घूमेगा और वो साफ होगा। इसी तरीके से सोलर प्लेक्सस के समय येलो लाइट देखते हैं, हार्ट चक्र में ग्रीन, थ्रोट में ब्लू, थर्ड आई को जब भी हम लोग इमेजिन करते हैं तो उसको हम लोग इंडिगो इमेजिन करते हैं, और जब क्राउन चक्र को हम लोग इमेजिन करते हैं तो वायलेट करते हैं। तो ये 7 रंग जो हैं वो जब सूर्य रेनबो बनाता है ना तो वही कलर है। तो विब्योर जिस कलर को बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ऊपर से नीचे यही रंग है। इसी को इमेजिन करके हम लोग क्लेंजिंग करते हैं पहले चक्र का। तो आँख बंद कर लिया, रूट चक्र पे ध्यान लगाया, माना, ऐसा इमेजिनेशन किया कि वहाँ एक चक्र है, वो चक्र लाल रंग का है, उसमें अनंत ब्रह्मांड से लाइट आ रहा है और वो लाइट जो है गोल्डन होगा, वो गोल्डन लाइट से वो साफ हो रहा है। वो जैसे जैसे वो गोल्डन लाइट उस पर पड़ रहा है तो जो भी उस पर गंदा लगा हुआ वो साफ हो रहा है और वो फ्रीली चल रहा है। जैसे आप लोगों ने कभी किसी गेयर को साफ किया होगा जिसमें कि गंदगी फंसी रहती है, तो उसको कैसे तेल डाल के आप साफ करते हो, तो वैसे ही इमेजिन करना है कि आपका वो चक्र साफ हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस है जो वो करना है। दूसरा,
आप लोग को गो, मैं किसी और मेडिटेशन में या फिर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ग्राउंडिंग मेडिटेशन सीख लीजिए। अभी कल जैसे मैंने गैप दिया था वीडियोस का, वो वीडियो गैप देने का ये कारण था कि जब मैं साधनाएं करता रहता हूँ और मैं ग्राउंडिंग मेडिटेशन नहीं करता हूँ तो मेरा क्राउन चक्र बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, वो इतना एग्रेसिव हो जाता है, वो इतना बड़ा हो जाता है, इतना एक्टिवेटेड हो जाता है कि उसके प्रभाव से मेरे सर में दर्द होने लगता है, ठीक है, उसके बाद में कोई काम नहीं कर सकता उस दिन। तो वो मैंने ग्राउंडिंग मेडिटेशन नहीं किया था, तो ये गलती था। तो आप लोग ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें, इसके बाद जब आप अपने चक्र को क्लीन कर लिया, आपने एक सप्ताह चक्र को क्लीन कर लिया, तो फिर से हम लोग वही ध्यान करेंगे, वैसे ही ध्यान करेंगे अगले सप्ताह, लेकिन इस बार मंत्र के साथ ध्यान करेंगे, ठीक है। तो हर चक्र का एक मंत्र होता है, जैसे जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ जो रूट चक्र है वो अर्थ से रिलेटेड है, वो धरती पृथ्वी से रिलेटेड है, मूलाधार, तो उसका एक मंत्र है। जो स्वाधिष्ठान है हमारा वो जल से संबंधित है, उसका एक मंत्र है। मणिपुर अग्नि से है रिलेटेड, उसका अलग मंत्र है। अनंत जो है, अनंता जो है, जो हार्ट चक्र है वो हवा से रिलेटेड है, वायु से रिलेटेड, उसका एक मंत्र है। विशुद्धा जो है वो आकाश से रिलेटेड है, इसीलिए उसका ब्लू कलर है, तो उसका एक मंत्र है उसको जगाने का। जो हमारा थर्ड आई, जो अजना चक्र है, वो लाइट से है, मतलब जो रोशनी है उससे रिलेटेड है, तो जो द ट्रैवल ऑफ लाइट उसका कंसेप्ट है, तो उसका एक मंत्र होता है। और सहस्रार जो है वो हमारे विचार, ठीक है, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, द आकाशिक लाइब्रेरी, उससे संबंध रखता है, ठीक है, तो उसका एक मंत्र है। तो क्या क्या मंत्र होता है? जब आप मूलाधार पर ध्यान करेंगे तो मंत्र है लांग, जब स्वाधिष्ठान पे आप जप जप करेंगे तो उसका मंत्र है वांग। मणिपुर चक्र पर ध्यान और जाप करने का मंत्र होता है राम। जो हार्ट चक्र है उस पर जब आप ध्यान करते हैं हरे रंग पर और जाप करिएगा याम। थ्रोट चक्र पर ध्यान और जाप का मंत्र होता है हाम। थर्ड आई पर ओम का जाप किया जाता है ओम। आप कहीं भी खोजेंगे तो सहस्रार का मंत्र ओम दिया रहता है, लेकिन सहस्रार का ओरिजिनल मंत्र है होगुम सत्यम ओम, ठीक है। अब क्या है कि एक 10 मिनट का मेडिटेशनल म्यूजिक है मेरे पास, ठीक है, तो अभी उस म्यूजिक के साथ हम लोग एक बार साथ में इस ध्यान को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए शुरुआत में क्या करना होगा कि आप लोग बैठ जाइएगा, हाँ, चेयर पे मत बैठिएगा, पालथी मार करके बैठिएगा, और उसके बाद इसको जाप कीजिएगा। देखिए अभी तो मैं सात सात बार करूँगा, सब मंत्र को सात सात बार मैं पढ़ूंगा, ठीक है, और जिस तरीके से पढ़ूंगा आप भी वैसे पढ़िएगा, लेकिन जब आप पढ़िएगा ना तो रूट चक्र और उसके ऊपर के चक्र का आप लोग 108 जाप कीजिएगा, और फिर आप लोग कुंडलिनी आरोहणम कीजिएगा, ठीक है। कुंडलिनी आरोहणम का मतलब, कुंडलिनी आरोहणम का मतलब होता है कि कुंडलिनी अब ऊपर उठ जाओ, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि जब आप जाप करेंगे तो मूलाधार और स्वाधिष्ठान के जाप में आप लोग 108 बार बीज मंत्र का जाप करेंगे, मणिपुर और अनाहत में आप 54 बार इसका जाप करेंगे, ठीक है। जब आप विशुद्ध का जाप करेंगे तो आप इसका जाप करेंगे मात्र 27 बार, और जब आप अजना का करेंगे जाप तो 21 बार करेंगे, और जब आप सहस्र का करेंगे तो आप करेंगे 11 बार, ठीक है। तो 108, 108, 54, 54, 27, 21 और 11, ये आप लोगों के गिनती का क्रम रहेगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग एक बार ध्यान में बैठेंगे, आप लोग सब रिलैक्स होकर के पालथी मारकर बैठ जाइए, आंख बंद करके थर्ड आई की तरफ कंसंट्रेट कीजिएगा आंखों को, और उसके बाद जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ूंगा आप लोग उसी हिसाब से उस चक्र पर ध्यान करिएगा, ठीक है। और जब मैं बोलूंगा कुंडलिनी आरोहनम तो आपको इमेजिन करना है कि वो कुंडलिनी की शक्ति ऊपर की ओर आ रही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आप लोग अभी मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाइए। लांग लांग
अब आप लोग अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करेंगे। वां, 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 अब आप लोग मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे जो कि नेवल चक्र है। अब आप लोग अपना ध्यान हार्ट चक्र पे लाएंगे। अब आप लोग अपना ध्यान अपने कंठ पे लाएंगे विशुद्धा।
थ्रोट चक्र पे ब्लू कलर की लाइट होगी। कुंडलनी आरोहणम। अब आप लोग अपने ध्यान को अपने त्रिनेत्र पर केंद्रित करेंगे। कुंडलनी आरोहणम। अब अपने ध्यान को चक्र के जो सबसे शिरोमणि है क्राउन चक्र पर लेके जाएंगे। ॐ सत्यम् 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 ॐ ॐ सत्यम्। ॐ मुरादार ॐ
स्वादिष्ठान। इस साधना के बाद आप थोड़ी देर के लिए लेटे रहें। आज की वीडियो को मैं यही विराम दूंगा। मुझसे अगर आप लोगों को बात करना है तो कॉल बी फॉर ऐप डाउनलोड करें, उसमें रुद्रनाथ सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। वेबसाइट पे आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके भी मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर तंत्र सीखना है तो उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर बात करें। माँ भगवती और बाबा कानिफनाथ आप लोगों पे आशीर्वाद बनाए रखें। आप लोगों का बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हो, ऐसा मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।